आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3233 जीवन का संस्थापन समारोह सूर्योदय होटल सयाजी में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन रश्मि गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कैबिनेट को संस्थापन अधिकारी पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर लाइन डायरेक्टर नवल जे मालू के द्वारा बहुत ही रोचक व प्रेरक तरीके से अपने अपने पदों पर संस्थापित किया। संस्थापन समारोह म्यूजिकल थीम पर संपन्न हुआ। मुख्य वक्ता पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर लायन जेपी सिंह ने सदस्यों को सेवा व नेतृत्व के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालकर प्रेरित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लायंस इंटरनेशनल के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नरेश अग्रवाल ने सभी सदस्यों एवं लीडर्स को लायंस के दूरगामी व स्थायी सेवा प्रोजेक्ट पर इस वर्ष ध्यान केंद्रित करने की बात कही। साथ ही लायंस इंटरनेशनल द्वारा अनुदान प्राप्त करते हुए अच्छे स्थायी प्रोजेक्ट पर कार्य करने की बात कहते हुए संविधान दाता साथियों को सम्मानित भी किया गया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन रश्मि गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष हर क्लब अपना एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट स्थापित करेगा जो उस क्लब की पहचान बन सके। पर्यावरण सुधार हेतु सभी क्लब पूरे वर्ष कार्य करेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पीआईडी लायन कमलेश जैन, लायंस इंटरनेशनल 3233 जीवन के पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एवं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एडवाइजर लायंस अजय सिंगर उपस्थित थे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरपर्सन लॉयन जेपी त्रिपाठी ने सभी का स्वागत किया। डिस्ट्रिक्ट के लक्ष्य व योजनाओं पर प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु प्रथम वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन डॉक्टर साधना सोडा जीटीए, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नया शर्मा, सभी जोन व रीजन चेयरपर्सन तथा माइक्रो डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट के पदों पर गरिमामय रूप से सदस्यों ने शपथ ली। कार्यक्रम का समन्वयन लायन अनिल मोदी व लॉयन मनिंदर सिंह चंडोक ने किया। आभार कैबिनेट सचिव लायन प्रदीप काबरा ने माना। इसको एक ऊंचे लेवल पर ले जाना चाहती हूँ। नेक्स्ट एक मैं अपनी तरफ से कार्यशाला के लिए एक कॉम्पिटिशन नहीं लीडरशिप के लिए एक कॉम्पिटिशन रखना चाहती हूँ। समय बहुत कम है। इसके बाद रीजन क्लब ऑफिसर्स 20 से 25 फरवरी के बीच में करूंगी। नेक्स्ट है कि क्या आपने अपना प्लानर बनाया है? प्लानर बनाया है और साथ ही साथ इंटरनेशनल के लक्ष्य और हमारी डिस्ट्रिक्ट प्राप्ति के लिए उसका हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसलिए मैं थोड़ा उसके हिसाब से 13 रीजन में साल भर में आपको करके निश्चित रूप से देंगे क्योंकि अस्त है तो हमको कुछ कुछ करना ही काम है लेकिन हमको समय नहीं और उसमें हमको बहुत आनंद भी मिलेगा। 3233 जीवन की आज फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग जो संपन्न हुई है कर्मोदय और सूर्योदय से शुरुआत हुआ क्या कहना चाहेंगे उसकी? आज सुबह डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट जो कि लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3233 जीवन की बनी है उसका शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है और जिसमें संस्थापन अधिकारी औरंगाबाद से पीआईडी लाइन डॉक्टर नवल जे मालू थे। उन्होंने बहुत ही प्रेरक थीम के ऊपर यहाँ पर संस्थापन को संपन्न कराया है और सभी रीजन जोन चेयरपर्सन और माइक्रो कैबिनेट पदाधिकारियों का यहाँ पर संस्थापन संपन्न हुआ है। क्या कुछ विशेष उद्देश्य डिसाइड किए इस वर्ष के लिए? जी बिल्कुल, संस्थापन समारोह हमारा सूर्योदय था और सूर्योदय के बाद ही हमने कर्मोदय प्रथम कैबिनेट मीटिंग आयोजित की है जिसके अंदर पूरे वर्ष की जो कार्यप्रणाली है जो विषय है जिसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं उसके ऊपर चर्चा की गई। सभी रीजन जोन चेयरपर्सन सभी मेंबर्स ने उसके ऊपर चर्चा की है। उसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगी विशेष तौर से इस वर्ष हम दिव्यांगों को रोजगार हेतु उन्हें जागरूकता हेतु उनके शिक्षण हेतु कार्य करने जा रहे हैं और उसके अलावा महिलाओं को स्वरोजगार हेतु उसके अलावा ई लाइब्रेरी के ऊपर भी हम काम करने का इस बार प्रोजेक्ट प्लान किया है और सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स कई सारे जैसे क्लॉथ बैंक है मेडिकल इक्विपमेंट बैंक है उसके ऊपर भी कार्य करने के लिए इस बार प्लानिंग किया है। विशेष तौर पर ये बताना चाहूँगी कि इंटरनेशनल फाउंडेशन जो होता है जिसमें डिजास्टर रिलीफ के लिए भी ग्रांट दी जाती है उसके लिए आज हमारी कैबिनेट मीटिंग में 27 मेंबर्स ने $27,000 का डोनेशन यहाँ पर घोषित किया है। कर्मोदय जो नाम दिया इसका? आज जो हमारा वर्ष 2021-22 का लायंस क्लब इंटरनेशनल 3233 जीवन की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन रश्मि गुप्ता हैं उनकी जो कैबिनेट है माइक्रो मेंबर्स डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रीजन चेयरमैन जोन चेयरमैन
सुबह उनका सूर्योदय संस्थापन समारोह था, जिसमें हमारे पास इंटरनेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर नरेश अग्रवाल जी आए थे वो चीफ गेस्ट के रूप में, और पास इंटरनेशनल डायरेक्टर जेपी सिंह और पास इंटरनेशनल डायरेक्टर डॉक्टर नवल मालू विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थे। आज सुबह कैबिनेट सदस्यों का संस्थापन समारोह हुआ और अभी हमारी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग चल रही है। हमारे कैबिनेट मेंबर्स होते हैं, उनमें जो सेवा के प्रारूप होते हैं अलग अलग विषयों पर माइक्रो कैबिनेट और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होते हैं। 15 से 20 क्लबों के ऊपर एक रीजन चेयरमैन होता है और 5 से 6 क्लबों का एक जोन होता है। सब एक डिस्ट्रिक्ट का जो टारगेट होता है कि हम बीजन के क्षेत्र में क्या कार्य करेंगे, फूड फॉर हंगर पर क्या करेंगे, पर्यावरण के क्षेत्र में कितना पौधारोपण करेंगे, किस तरह से पर्यावरण सुधार के लिए काम करेंगे, क्या हेल्थ एक्टिविटीज़ करेंगे और आपदा आने पर किस तरह से हम जनता के बीच जाकर उन्हें मदद करेंगे, तो उन सब की प्लानिंग्स तैयार हुई हैं और आगे वर्ष भर काम करने का एक प्रारूप तैयार हुआ है। सभी रीजन जोन और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और माइक्रो कैबिनेट ने अपने अपने लक्ष्यों को और अपने अपने कार्यों की जवाबदारी यहाँ बतलाई कि हम किस तरह से डिस्ट्रिक्ट को सफलता के साथ आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। रश्मि गुप्ता जी हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं और फर्स्ट वाइस गवर्नर डॉक्टर साधना सोडानी, सेकंड वाइस गवर्नर यश शर्मा हैं। एक पूरा प्रारूप है, 5 डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल के प्रोजेक्ट हैं। विजन मतलब आँखों की सुरक्षा और नेत्रदान से संबंधित क्षेत्र में काम, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग काम करते ही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम जो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं उन्हें किस तरह से हम क्लबों के माध्यम से सहायता पहुंचा सकें, भूखों को भूख से मुक्ति मतलब जो लोग भूख हैं जो जिन्हें रोटी नहीं मिलती उन्हें भोजन उपलब्ध कराना, वृद्धजन दिव्यांगजन उन्हें सहायता करना, एक प्रारूप लेकर चलते हैं और आज वही वर्ष की प्लानिंग के साथ ये कैबिनेट मीटिंग यहाँ हो रही है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में आगे कुछ स्थायी परमानेंट प्रोजेक्ट LCIF ग्रांट के माध्यम से हम लेकर आने वाले क्लब के द्वारा कुछ स्थायी प्रोजेक्ट कर सकें उसकी पूरी प्लानिंग आज यहाँ की जा रही है। कोरोना पेंडेमिक से हुई जो क्षति हुई है उसको लेकर भी अलायंस क्लब ने कुछ किया? कोरोना पेंडेमिक में हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। एक वर्ष से बात करें कि जब मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था तब हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्लबों के माध्यम से लायंस क्लब इंटरनेशनल के ग्रांट के सहयोग से कम 8 करोड़ से अधिक राशि का चिकित्सा के क्षेत्र में खाने के क्षेत्र में हमने लोगों की मदद की थी। इस बार जब सेकंड वेव आई तब भी हमने कोरोना पैनिक में मेडिकल सहायता और ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर हो या दवाइयों की बात हो, मास्क वितरण की बात हो, उस तरह काम की और कोरोना से बचने के उपाय किए, हॉस्पिटल्स में पेशेंटों की मदद की और वही आगे की भी हमारी तैयारी है। अभी हमें लायंस क्लब इंटरनेशनल का कनाडा का एक क्लब है जिसने हमारे इंडिया को 700 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, उसमें से हमारे डिस्ट्रिक्ट को 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले हैं जो हमने गीतावन जो पारमार्थिक हॉस्पिटल है हमने वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गीतावन हॉस्पिटल को सौंपा।